प्रकाश के रूप में, कहीं देव दीपावली के रूप में, अलग अलग उसके स्वरूप है। इस बार हमने तय किया था कि हमारा ये पर्व जो सांस्कृतिक रूप से हमारे पूर्वज मनाते आए उसको हमारी नई पीढ़ी भी जाने और धूमधाम से मनाए, इसलिए हमने तय किया कि दीपावली के एक दिन के दो दिन के अंदर ही इस बार हम सार्वजनिक अवकाश पहले ही घोषित कर देंगे। और हमने पहले घोषित कर दिया जिससे भी दूर दूर से लोग पहले से ही जो है अपने घरों में आने की योजना बनाई लोगों ने। और इस बार मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत धूमधाम से ये एकादश पर्व मनाया गया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के द्वारा लगातार उत्तराखंड के उत्थान के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद आज हमारा जो बजट है, हम चाहते हैं वो बजट दो गुना हो जाए, वह बजट तीन गुना हो जाए, जिसके कारण से कभी हमको ये सोचना न पड़े कि अनिल नौटियाल जी कह रहे हैं गोचर में जो है उच्चीकृत यहाँ पर केंद्र बना दीजिए, उसकी हम धड़ाधड़ घोषणा कर दें। ये तभी हो पाएगा जब हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाएगा, हमारी आय बढ़ जाएगी हर क्षेत्र में। जैसे देखिए आप हमारे यहाँ बद्रीनाथ जी में सालों में लाखों लाखों लोग यहाँ आते हैं, भगवान बद्री विशाल की कृपा है वो आ रहे हैं, भगवान बद्री विशाल उनको बुला रहे हैं, लेकिन उससे आगे अब हम लोगों को आगे सोचना है कि वो बद्री विशाल तो उनको बुला रहे हैं, वो बुलाने तक ही सीमित न रहे, वो दो चार दिन रुके। बद्री विशाल की ताकत है कि उनको बुला रहे हैं, उनको मत्था टिकवा रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत होनी चाहिए कि हम उनको जो है दो चार दिनों तक यहाँ रोकें, कुछ न कुछ दिखाएं। अभी बद्री विशाल का जो मास्टर प्लान बन रहा है वो मास्टर प्लान भी हम इसी क्षेत्र में बना रहे हैं कि उसमें हर प्रकार की व्यवस्था करी जाए, आसपास के क्षेत्रों में जहां लोगों के रुकने की व्यवस्था अच्छी हो, उनके बच्चों के मनोरंजन के साधन हो, कोई ना कोई ऐसे साधन हो, कभी बर्फ पड़ जाती है, कभी यात्रा बंद हो जाती है, तो दो दिन चार दिन वहां पर आदमी कुछ न कुछ करता रहे। उसके लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माणा गांव पे अब एक जो हमारा दर्शन होता है, जैसे वहां बाघा बॉर्डर में दर्शन करते हैं, वहां गुजरात में नाडा जेट पर दर्शन करते हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था हमारे माणा गांव को भी विकसित करके वहां पर बनाई जाएगी। आने वाले समय में एक बड़ा केंद्र बनेगा, जो लोग बद्री विशाल के दर्शन करने आएंगे वह भी आगे जाएंगे। भाइयों बहनों, हम रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ऊर्जा के क्षेत्र हो, उस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी पर अभी देखिए, पहले के समय में यहाँ से बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुंचने में हमको कई पूरा दिन लग जाता था, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, और अब आसानी से 7 घंटे में, 6 घंटे में हम लोग बद्रीनाथ तक की यात्रा कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, पर्यटन की किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और हमारे प्रदेश का तो जो है पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारे यहाँ की लाइफ लाइन है। केंद्र सरकार द्वारा जहाँ हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार से, निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हमारे यहाँ जो आर्थिकी है, जो हमारा रोजगार है वह भी बढ़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। इस बार की यात्रा, अभी बद्री विशाल की यात्रा चल रही है, 19 तारीख तक चलेगी, लेकिन हमारे तीनों धामों की यात्रा रुक गई है, संपन्न हो गई है, लेकिन इस बार 46-47 लाख का आंकड़ा, यानी कि पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा यात्रा हमारी अभी तक हो चुकी है। प्रदेश में चार धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और रोप वे, जो गौरीकुंड से केदारनाथ का रोप वे, हेमकुंड साहब से हमारा जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रोप वे, इसके बनने से निश्चित रूप से हमारा हर प्रकार का विकास होगा। जहां तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यात्री ज्यादा आएंगे, उनकी यात्रा सरल होगी, उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हमारे यहाँ के विकास के लिए लगातार हम लोग तत्पर हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक उत्तराखंड
हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हर दृष्टि से हम नंबर वन ना आ जाए, जब तक हमारी आदर्श स्थिति न हो तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। और हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प हमारा विकल्प नहीं था कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसके लिए हम राज्य के स्तर पर तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार का यह भी उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में तमाम समय से देश को खोखला करने में लगा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए हर उत्तराखंडी को आगे आना होगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चमोली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल गुचर मेले का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और सड़कों का निर्माण हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड बेहद खूबसूरत है, तो इस दृष्टि से भी इसको और ज़्यादा विकसित करने की सरकार की पूरी पूरी कोशिश है और लगातार ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। गोचर मेला हमारी संस्कृति की एक अलग पहचान है।